1,25,000 देते हैं इस गाड़ी के लिए, लेकिन रिफ्यूलिंग के लिए आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है। एंड ये इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज है, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करके ही मोबाइल को चार्ज करना है। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायलट यूट्यूब चैनल में। ये है TVS N-Torq 125 रेस XP। इसका ऑन रोड प्राइस कितना है एंड ये स्कूटर कैसे दूसरे स्कूटर से अलग है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसका प्राइसिंग से। तो ये आपको 1,25,000 में ऑन रोड मिल जाएगा विथआउट एनी एक्सेसरीज। फ्रंट हेड यूनिट में आपको हेडलाइट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे ट्राई कलर का एक स्ट्रिप दिया गया है, जिससे यह पता चलता है कि ये एक इंडियन गाड़ी है। एंड वाइजर का दूसरा साइड स्मार्ट कनेक्ट का लोगो दिया गया है। उसके बाद मिरर्स को ऐसे सिंपल रखा गया है, अगर थोड़े स्टाइलिश होते तो और अच्छे लगते। एंड उसके बाद फ्रंट पैनल के ऊपर राइट साइड में ग्राफिक्स के साथ N-Torq का बैजिंग दिया गया है। एंड उसके ऊपर जो गार्ड लगाया हुआ है वो एज एन एक्सेसरी लगाया गया है इस गाड़ी में। एंड यहाँ पे सामने आपको क्रोम कलर में TVS का बैजिंग दिया गया है। एंड उसके ठीक नीचे नंबर प्लेट माउंट को रखा गया है। एंड उसके नीचे है इसका हेडलाइट यूनिट, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको LED बल्ब्स के साथ टी शेप में DRLs भी मिल जाते हैं। उसके बाद डुअल टोन कलर में इसका फ्रंट मडगार्ड को रखा गया है, जो कि ग्रे एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन में है। एंड आगे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है, जिसका थिकनेस है 3.5 mm। एंड यहाँ पे सस्पेंशन को भी ब्लैक कलर में रखा गया है। आगे आपको 12 इंच का एलॉय व्हील रेड कलर में मिल जाता है। एंड इसमें ट्यूबलेस टायर मिलता है, जिसका साइज है 100x80 12। एंड इसमें आपको TVS का ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 125 रेस XP एंड यहाँ पे TVS रेसिंग का बेजिंग दिया गया है। एंड नीचे कार्बन फाइबर का एक पैटर्न बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो इस गाड़ी में तीन कलर आपको मिल जाते हैं, एक रेड, एक ब्लैक एंड एक ग्रे कलर। उसके बाद ये है इस गाड़ी का साइड व्यू। एंड इस गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक देने के लिए यहाँ पे इंजन के अंदर भी रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये है इस गाड़ी का इंजन वेल इनलेट। एंड ये है रियर फुटरेस्ट। उसके बाद ये है इस गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम। एंड इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी काफ़ी अलग है, मैं आपको सुना के दिखा दूँगा। एंड उसके बाद ये है इस गाड़ी का पीछे का टायर इन्फॉर्मेशन, जो कि 110x80 12 इंच। एंड रियर में भी आपको रेड कलर पेंटेड एलॉय व्हील मिल जाते हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। उसके बाद ये है इस गाड़ी का फ्यूल लीड, जो कि E20 पेट्रोल को भी सपोर्ट करता है। इसको खोलने के लिए गाड़ी का लेफ्ट साइड में सीट के नीचे की स्लॉट दिया गया है। एंड यहाँ से आप सीट को भी खोल सकते हैं। इसमें अगर लेफ़्ट साइड में मोड़ेंगे तो इसका फ्यूल लीड ओपन होगा, एंड राइट साइड में अगर मोड़ते हैं तो इसका सीट ओपन होगा। एंड ये इस गाड़ी का एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिफ्यूलिंग के लिए आपको गाड़ी से उतरना पड़ेगा। खैर जो भी है, हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं इस गाड़ी में और क्या कुछ अच्छे या फिर बुरे हैं। एंड यहाँ पे इसका बूट को खोल के देखते हैं एंड देखते हैं इसमें आपको कितना स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे एक फर्स्ट एड किट मिल जाता है एंड एक टूल बैग भी मिल जाता है छोटा सा, जो कि आपको इमरजेंसी में काम आएगा। यहाँ पे एक चेकिंग प्लग दिया गया है। एंड यहाँ पे साइड में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए USB पोर्ट दिया गया है। एंड इसके ऊपर साफ तौर पे लिखा गया है कि डू नॉट चार्ज व्हेन द इंजन इज ऑफ, मतलब गाड़ी को स्टार्ट करके ही मोबाइल को चार्ज करना है, वरना गाड़ी का बैटरी को हार्म पहुँच सकता है। चलिए देख लेते हैं इसमें आपको कितना स्पेस मिल जाता है। ये है मेरा हाथ, आप देख सकते हैं थोड़ा ही बाहर निकला है, मतलब इसमें एक हेलमेट भी ठीक से नहीं आएगा। तो बूट को करते हैं बंद एंड आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको लेडीज़ के लिए फुट रेस्ट दिया गया है। एंड उसके ठीक नीचे आपको एक किक भी दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर गाड़ी का बैटरी डाउन भी हो जाता है तो इससे आप स्टार्ट कर पाएंगे। एंड इसमें आपको एक डुअल स्टैंड भी मिल जाएगा। एंड आगे आपको सामान रखने के लिए एक कैरिंग हुक भी दिया गया है, जो कि यहाँ पे माउंटेड है। ऐसे आप इसमें कुछ सामान टांग के ले जा सकते हैं। एंड उसके साइड में है इसका की स्लॉट, जिसमें आपको इग्निशन एंड लॉक का ऑप्शन दिया गया है।
यहाँ पे जुपिटर जैसा सीट ओपनिंग एंड इसमें जो फ्यूल लिड ओपनिंग का ऑप्शन देते तो और अच्छा होता। ये है हेडलाइट कंट्रोल एंड उसके नीचे है हैजार्ड लैंप एंड टर्निंग इंडिकेटर का कंट्रोल। उसके ठीक नीचे आपको हॉर्न का स्विच दिया गया है। उसके बाद देखते हैं राइट साइड में क्या क्या है। यहाँ पे हैजार्ड लैंप एंड उसके ऊपर इंजन कील का स्विच भी दिया गया है इसमें, एंड उसके नीचे आपको सेल्फ स्विच का बटन दिया गया है। अब देखते हैं गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, लेकिन उससे पहले इस गाड़ी का एग्जॉस्ट थोड़ा सुन लेते हैं। इस गाड़ी का टॉप स्पीड कितना है उसका भी वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड आई बटन को भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। और क्या ज़रूरी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाते हैं चलिए आगे देखते हैं। इसमें आपको दो मोड्स मिल जाएंगे, एक स्पोर्ट्स मोड एंड एक रेस मोड, जिसको आप यहाँ नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं, एंड उसके बाद जो सेल्फ स्टार्ट स्विच है वहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपको ट्रिप मीटर मिल जाएगा, एंड इसके बाहर आपको इको एंड पावर का इंडिकेटर भी मिल जाएंगे, एंड अपर राइट कॉर्नर में आपको एक डिजिटल क्लॉक भी दिया गया है। बीच में आपको ओडोमीटर एंड नीचे आपको मोड का ऑप्शन दिया गया है। एंड इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो राइट लोअर कॉर्नर है वहाँ पर फ्यूल इंडिकेटर, एंड जो लेफ्ट लोअर कॉर्नर है वहाँ पर हीट एंड कूल का इंडिकेटर दिया गया है, एंड नीचे एंटोर का बेजिंग दिया गया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बाहर आपको लेफ्ट साइड टर्निंग इंडिकेटर, हाई बीम लो बीम, ABS, हजार LM इंडिकेटर जैसे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा इस गाड़ी में आपको लास्ट लैप का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, जिससे ये पता चलेगा कि ये गाड़ी का लास्ट लैप पे टॉप स्पीड कितना था एंड वो कितने टाइम में अचीव हुआ था। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आगे हम और भी बेहतरीन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, एंड वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट भी लगा हुआ है, वहाँ पर जाके आप हमारे बाकी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।